ब्रिटेन की संसद ने मंगलवार को विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल को पास कर दिया। इस बिल का मकसद ब्रिटेन से अफ्रीका के शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना है। इसके पास होने के बाद सरकार ब्रिटेन में रह रहे अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजना शुरू कर देगी। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका का एक देश है। इस बिल को 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रवांडा के साथ हुए एक समझौते के बाद लाए थे। इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3,000 करोड़ रुपए देगी। इस रुपए से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा। और बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि 10 से 12 हफ्तों के भीतर ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को रवांडा भेजना शुरू किया जाएगा।